की थाली सजाने वाली मोदी सरकार और उनके सांसदों की हालत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल मचा दिया है। पीएम मोदी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि महिलाएं उनके सांसदों को दौड़ा कर भगाएंगी। ये सुनकर शायद आपको अटपटा लगेगा और यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सौहाने सच है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाले बीजेपी सांसदों को अब उनके ही लोकसभा क्षेत्र में विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सांसद जी हाथ में जूते लिए गाड़ी की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। ये दोस्तों हम नहीं, सोशल मीडिया पर ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि ये कौन से बीजेपी के सांसद हैं जिनका हाल इस कदर हो रहा है और जिनका विरोध इस कदर किया जा रहा है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद यहाँ आके कुछ ले जाने के लिए। चलिए आपके पीछे पीछे हम करते हैं। हाँ विनोद सौर का मुर्दाबाद, इतना अच्छा काम किया है तो आपको सम्मानित नहीं करेंगे क्या? देखा आपने, ये वही सांसद है जिन्होंने हाल ही में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गलत टिप्पणी की थी। यहां तक कि उन पर जो रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने लगाई थी उसमें भी सांसद जी का अहम रोल रहा है। अब क्या कुछ कहा है वो भी जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव नजदीक आते ही जनप्रतिनिधियों को लेकर मतदाताओं का विरोध शुरू हो जाता है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से निकल कर सामने आया है जहाँ भीड़ ने अपनी मांगों को लेकर सांसद महोदय को दौड़ा लिया, जो वीडियो हमने भी आपको दिखाया कि किस तरीके से विरोध सांसद जी का हुआ। आगे लिखा है कि जनता का जवाब ना देना पड़े इसलिए सांसद जी ने वहां से चले जाना ही सही समझा। पूरा वाक्य उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से निकलकर सामने आया है। कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी सांसद विनोद सोनकर का विरोध देखने को मिला है। विनोद सोनकर यहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वो मंच से भाषण ही दे रहे थे तभी ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद का विरोध करना शुरू कर दिया। और किस तरीके से विरोध किया और कैसे सवाल पूछे कि विनोद सोनकर जो हैं ग्रामीणों के सवाल का जवाब ना दे और उससे बचते हुए भागते हुए नजर आए। ग्रामीण रोजगार और आवास के पैसों की मांग पर सवाल कर रहे थे। ग्रामीणों ने सांसद विनोद सोनकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिला पंचायत सदस्य ग्राम विधायक प्रधान समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने सांसद जी का विरोध कर दिया। इस दौरान सांसद विनोद का काफिला भी रोकने का प्रयास किया गया। बीजेपी सांसद का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को महिलाओं ने दौड़ा लिया और जमकर बेइज्जती की। ये वही सांसद महोदय हैं जो संसद की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वह इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया लिखी है और वो लिखते हैं कि भाजपाई सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, जनता हिसाब मांग रही है, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करवाने वाले एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को महिलाओं ने दौड़ा लिया, कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा, मुर्दाबाद के नारे लग गए, वीडियो आज का है और सांसद गए थे विकसित भारत करने, पुलिस ना होती तो महिलाएं आज सांसद जी के साथ कांड कर देती। यानी यहां पर सीधे तौर पर सांसद जी की खिल्लियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब भैया वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो कुछ ऐसा ही नजारा सांसद जी के साथ हुआ। अब मोदी के सांसदों को अपनी ही लोकसभा में कैसा विरोध झेलना पड़ रहा है ये आपके सामने है और ये विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है ये हमसे बेहतर आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता और इन्होंने ग्रामीणों का जवाब दिया होता, सवालों का जवाब दिया होता तो ये 9-2-11 होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन इन्होंने काम नहीं किया और कैसे इनको विरोध झेलना पड़ रहा है जनता का ये आपके सामने है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।